लाए अग साडे सीने च जित ले ओ बाजी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले को पाकिस्तान शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर रही है और इस जीत के साथ ही उसने सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने शानदार पारी खेली है और उन्होंने सेंचुरी लगाई है, अपनी सेंचुरी की है और इस सेंचुरी की बदौलत जो है पाकिस्तान एक शानदार जीत हासिल करने में जो है कामयाब हुआ। उनके अलावा हैरी सोहेल जो कि पिछले मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफ़ी अच्छा खेले थे, उन्होंने भी जो है बाबर आजम का बखूबी साथ दिया, उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली है और इन दोनों की दमदार पारी की बदौलत पाकिस्तान लगातार दूसरी जीत हासिल करने में सफल रहा। इसके साथ ही वो कहीं ना कहीं 1992 का करिश्मा भी वो दोहराने की तरफ बढ़ चला है और जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम खेल रही है और निश्चित रूप से उसने अभी भी अपनी उम्मीदें बरकरार रखी। इससे पहले हम आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और उसने पूरे 50 ओवर में 237 रन बनाए थे 6 विकेट खोकर। वहीं पाकिस्तान ने को शुरुआती झटका हालांकि बहुत जल्दी लग गया था और फखर जमान बहुत टेंट बॉल की गेंद पर बहुत जल्दी विकेट खो बैठे थे, लेकिन उसके बाद जो है इमामुल हक भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं खेल पाया और वो भी 19 रन बना के आउट हो गए। लेकिन इसके बाद बाबर आजम ने मोहम्मद हफीज के साथ मिलकर जो है टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन हफीज 32 रन बना के आउट हो गए। बाबर आजम और हैरिस सोहेल इन दोनों ने मिलकर न सिर्फ सेंचुरी पार्टनरशिप की बल्कि टीम की जीत की नींव भी रखी। आपको बता दें कि जिस तरीके से शानदार बल्लेबाजी की है इन दोनों ही खिलाड़ियों ने, कहीं ना कहीं एक दबाव था जो फाइनल में और जिस तरीके से भारत से पाकिस्तान हारी थी उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो खोया हुआ एक आत्मविश्वास था वो इस वर्ल्ड कप में अब जो है वो दिख रहा है। तो फिलहाल हमारी इस बड़ी खबर में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय दे सकते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, साथ ही इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अग साडे सीने च जित ले ओ बाजी।